कई कई भक्तों को पर्चा मिला है सतगुरु का जो वो कुछ नहीं समझते थे। तो सजना इंद्रमती राम नाम रटती थी, पहले इंद्रमती हरि गोविंद भजन करती थी, किसी संत गुरु की चेली थी वो, परंतु उसके पास क्या था, उसके पास नियम पक्का था, जो वो नियम धारण करती थी वो नियम पर दृढ़ रहती थी। तो उसके कोई गुरु थे, उन्होंने नियम दिलाया कि आप है ना 12 साल तक रोज नए संतों को भोजन करा के करना, भोजन करना नहीं तो भोजन नहीं करना। तो उस इंद्रमती ने ऐसा नेम ले लिया, नए संतों को भोजन करा के ही करना, नहीं तो भोजन नहीं करना। वो तो रानी थी, उसको ऐसा नेम लेने की क्या जरूरत थी, परंतु उसके अंदर अंकुर था, मुक्ति का अंकुर, भक्ति का अंकुर था, भावना थी मन में भक्ति के प्रति, इसलिए वो कि नहीं मेरी भी मुक्ति होनी चाहिए। तो वो ऐसे संतों की सेवा करती रही करती रही, और जब कुंभ मेला में सारे संत चले गए तो 3 दिन तक प्यासी रह गए। तो कहते हैं कि उनके जो चंद्र विजय राजा थे वो कहते हैं मेरी रानी 3 दिनों से भूखी है, कोई संत नहीं आया, सेना भेजी इधर उधर, संतों को ढूंढ लाने के लिए कोई आवे ही नहीं, कोई मिले ही नहीं। तो परीक्षा की घड़ी थी, कोई भी नेम रखो तो उसकी परीक्षा अवश्य होगी, पढ़ाई करते नहीं बच्चे, तो उनकी 3 महीना 6 महीना और 12 महीना में परीक्षा होती कि नहीं होती, नहीं पढ़ेंगे तो क्या परीक्षा होगी, पढ़ेंगे ही नहीं तो। तो इसी प्रकार से वो सेवा करती थी, तो उसके सेवा की परीक्षा हुई, और सेवा की परीक्षा ये हुई कि कोई साधु संत दिखे ही नहीं, कोई मिले ही नहीं, अब शरीर छूटे कि अब शरीर छूटे। और उस समय सतगुरु कबीर साहब करुणा में अवतार रूप में काशी में विराजमान थे, और उनको ध्यान भजन करते करते अंदर में दिखाई दिया कि वो रानी तड़प रही है, दुखी है, कोई साधु संत उसके पास नहीं जा रहे भोजन करने के लिए। तो सतगुरु कबीर साहब स्वयं वहाँ आकर प्रकट हो गए। बोलो सतगुरु कबीर साहब, आप भी कोई नेम रखोगे तो कबीर साहब आ जाएंगे। कबीर साहब का काम ही है कि जो नेमी होवे उसके नजदीक जाऊं, प्रेमी होवे तो उसके नजदीक जाऊं, जो नेमी प्रेमी नहीं है तो कैसे नजदीक जाएं। तो वो सतगुरु कबीर साहब व्हाइट ड्रेस धारण करके और व्हाइट पुरुष पधारे, और ऊंची अटारी पर वो जो निहारती थी, देखती थी, तो उसने अपनी दासी को भेजा कि जाओ वो संत महाराज इधर आ रहे हैं, उनको अपने महल में लाओ। तो दासी गई तो सदगुरु बोले राज काज घर हम नहीं जाई, और राज काज है मान बड़ाई, राजाओं के घर हम नहीं जाते, हम साधु हैं। राजा लोग क्या करते, मान बड़ाई में रहते हैं, झुकते भी नहीं है, प्रणाम भी नहीं करते, बात भी नहीं मानते, और दारू और मांस मट्टी का तो धुआं काट देते हैं। ऐसों के घर क्या जाना, खान पान जिसका खराब है। तो कहे कि राज काज अगर हम नहीं जाई, राज काज है मान बड़ाई, राजा लोग तो मान बड़ाई में रहते हैं, इनके इसके लिए हमें नहीं जाना इनके घर। तो वो दासी दौड़ी दौड़ी जाकर के समझ गई, और दौड़ी दौड़ी अपनी इंद्रमती को कहने लगी कि साहिबा आप खुद जाओगे तो ही महापुरुष आएंगे, नहीं तो मेरे बुलाने से नहीं आएंगे। आपको ये अहंकार सब त्यागना पड़ेगा कि मैं रानी हूँ, ये पर्दा अर्दा सब छोड़ना पड़ेगा, ये मैल मैलाइत सब छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको संतों को बुझाना है तो संतों के पीछे आपको नंगे पैर जाना पड़ेगा।
तो रानी ऊपर से नंगे पैर उतरी और अपना वो जो सब छोड़ के हैं पर्दा अर्दा और मान अभिमान छोड़ करके सदगुरु कबीर साहब के पीछे नंगा पैर दौड़ी और जा करके और बोली कि मैं बहुत गरीबनी हूँ, मुझ पे दया करो। मैं एक छोटा सा नेम ले लिया और संत जब तक मेरे द्वार पर नहीं आएंगे जब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। तो साहेब बोले कि भाई हम तो राजा के घर जाते नहीं हैं, आपका भाव है तो चलना पड़ेगा। फिर साहब उनके भाव से चले आए और फिर उनको ज्ञान दिया, उन्होंने चरण को चरणमत लिया और उस व्रत को वहीं पूरा किया। साहेब ने कहा कि आज तुम्हारा वो व्रत पूरा हो गया है, जो गुरु तुम्हें मिले वो व्रत तुम्हारा पूरा हो गया। अब हे इंद्रमती, तीन लोग की भक्ति तो तुमने बहुत कर दी, अब अमर लोग की भक्ति संभालो, अमर लोग का नाम ले, जिसे कोई जन्म ना पड़े न कोई मरना पड़े। तो वो काफी लंबी कथा है। फिर वो उनकी शिष्य बनी और गुरु के आदेश अनुसार रहती रही। तो उनके राजा थे, उनको भी शिष्य बनाने लगी। तो राजा नट गए, कहते हैं कि मेरे से तो ये जो राजकाज का काम धंधा है, खान पान छूटता नहीं, मान बढ़ाई छूटती नहीं, इसीलिए मैं गुरु जी का शिष्य नहीं बन सकता। वो मैं तुम्हारे, वो कहते हैं कि तुम्हारे भक्ति का प्रताप देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी भक्ति करती हो। और कहते हैं नहीं कि पत्नी भक्ति करती तो पति तर जाते हैं, पति भक्ति करते तो पत्नी तर जाती है, तो मैं तेरा प्रताप देखता हूँ। राजा कहा कि मेरी जगह तू भजन कर, मैं राज करूं, तू भजन कर। अरे गुरु जी के पीछे आधा राज भी लुटा दे तो मैं तुम्हें कुछ कहने वाला नहीं है। गुरु जी के पीछे आधा राज लुटा सकती हो, तुम्हें कोई मना नहीं है। जब इतनी छुट्टी दी तो इंद्रमती तो बड़े आनंद से सदगुरु की भक्ति करने लगी और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भजन ध्यान करने लगी और फिर साहिब से सार शब्द लिया, भजन करने लगी। तो गुरु महाराज ध्यान में दिखे और रथ लेकर गुरु महाराज पधारे और उस इंद्रमती को ले जा रहे हैं। बीच में हाहाकार आ रहा है, बड़ी बड़ी क्रंदन की आवाज आ रही है, रोने की आवाज आ रही है। तो वो कहती है कि गुरु महाराज ये कौन सा देश जिसमें सब रोने की आवाज आ रही है, दुखी की आहटी आठ सुनाई दे रही है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये यमलोक है, यमलोक जो लोग आंखों से बुरा देखते हैं यहाँ उनकी आंखों में खिल्ला ठोक देते हैं। जो दूसरों का अपमान करते उनका यहाँ नाक काट दिया जाता है, ये वो लोक है। हैं? जो गलत रास्ता पे पांव रखते हैं उनके पांव काट दिए जाते हैं। जो दूसरों को तड़पाते हैं उनका पांव भट्टी में डाल दिया जाता है। वहाँ भट्टी जल रही है, उस भट्टी के अंदर गोबर है, गोबर के अंदर पांव डालने ऊपर सब लकड़ा जला दिया जाता है। और जैसे शकरकंद सिके ऐसे उसके पांव सिक रहे, देख ले। ये सब इनकी अपनी अपनी भूल है, कर्मों से सब दुख पा रहे हैं। यहाँ की जमीन बहुत त्रपत है, देख सबको प्यास लगी है, पानी पानी पुकार रहे पर पानी नहीं, क्यों पिलाया भी नहीं। तो ये है यमलोक, इसलिए आगे चलो। तो हाथ जोड़ के कहती गुरु महाराज, जब 100 वचन शिष्य गुरु का मान लेता है तब गुरु को भी एक वचन शिष्य का मानना चाहिए। क्या कहती है कि 100 वचन जब शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन कर लेता है तब गुरुजी शिष्य की भी एक बात तो गुरुजी को माननी चाहिए। साहब बड़े प्रसन्न होके बोले, ठीक है, तुमने तो मेरी बहुत सारी बातें मान ली, तो क्या बात मनवाना चाहती है।
बोले साहेब मुझे अमर लोक दिखाओ चाहे नहीं दिखाओ, पहले जो ये सब दुखी जीव है उनको पहले सुखी करो, और इन सब अगर मुझे अमर लोक दिखाना चाहते हैं तो इन सबको भी साथ में ले लो। बोलो सतगुरु देव की। तो सतगुरु दयालु हुए, भजन में आए ना, जो गुरु रूटा हो ये तुरंत मनावीए, और हो जावे हो जाना दीन आदीन गुना बक्सावे। सतगुरु बड़े हैं दयाल, दया चित हेर सी, तेरा कोटि कर्म कट जाए पलक चित फेर सी। बोलो सतगुरु देव की। कबीर साहब एक पल में दयालु हो गए और कहे कि ठहर मैं इन सब को छुड़ाता हूँ। जो ही सतगुरु अपना दया का हाथ ऐसे ऊपर किया, अनंत प्रकाश फैल गया। प्रकाश फैलते ही सारा लोक ठंडा हो गया, सबको शांति मिली। ज्यादा गर्मी हो ना तो अपने को कोई वृक्ष मिल जावे छायादार, वहाँ जाते ही अपने को कितनी शांति मिले। ऐसे सबद से साहेब ने शांति कर दी, वो लोग को ठंडा कर दिया, और फिर वहाँ पर रथ उतार दिया, और उतार करके सबको सत्य नाम का कीर्तन में लगा दिया। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम वो जय करुणा में सत्य नाम बोल, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल जय करुणा में। जब सुरती निरति एक जगह स्थिर होने लगी, सत्य नाम का उपदेश का प्रभाव फैलने लगा, तो सभी जीव बंधन से छूटने लगे, और 14 करोड़ जो यम दुख दे रहे थे वो सारे के सारे यम सब दूर जाकर के पड़ने लगे। कबीर जम जाए पुकारिया, धर्म राय दरबार, हंस मवासी हो रिया, लगे न पास हमार, हमरी संग का नहीं करे तुमरी धरे धीर, अरे सतगुरु के बल गाज ही कहे कबीर। सभी वो सतगुरु कबीर साहब का नाम जपने लगे, और जो जमे वो दूर जाके फांसा फेंके तो फांसा लगे भी नहीं। तो फिर बड़े जमराज जी धर्मराय जी से जाके जम बोले कि अब क्या करना चाहिए, तो वो धर्मराय जी ध्यान लगा के आगे ध्यान करते हैं, अद्याशक्ति देवी के सामने टेलीफोन चला जाता है, वो टेलीफोन जाता ना आपके ऐसे ऐसे ध्यान से टेलीफोन हो जाता है, तो वो अद्याशक्ति माता बोली क्या बात है धर्मराय जी, कैसे याद किया। बोले हमारे यहाँ तो एक बड़ी गड़बड़ हो रही है कि सभी जीव सत कबीर सत कबीर सतनाम रट करके सभी जा रहे हैं, और सतगुरु कबीर साहब आए हैं उनके सामने हमारा बस नहीं चल रहा है, हमें क्या करना चाहिए। बोले थोड़े रुको, मेरे पतिदेव को पूछती हूँ निरंजन भगवान को। ओ, टेलीफोन गया निरंजन भगवान, निरंजन भगवान। तो निरंजन बोले कबीर कहे तो जाने दो मेरी दसी नहीं जाए। जो प्रेम से सतगुरु कबीर साहब को याद करता है, सतगुरु कबीर साहब का दिया हुआ सार शब्द जपता है, उनको कोई मत रोकना, वो तुमसे रुकने वाले नहीं है। कबीर कहे तो जाने दो मेरी रसियन जाए, और खेवटिया के जाज पर बैठ गणेरा आए। वो तो खेवैया है, इसलिए आदि युगादि से इस संसार में जीवों को तारने के लिए आते हैं। जो जीव सतगुरु का नाम जपते हैं उन्हें जाने दो मत रखो। तो एक इंद्रमती के कारण पूरा लोक खाली हुआ, और सभी सतलोक में चले गए, हंस अमर लोक पहुंच गए। इंद्रमती के कारण वो उसमें क्या खूबी थी, क्या उसके अंदर वो कहते हैं नहीं भी विशेषता, क्या विशेषता थी कि वो कोई भी बात पकड़ती तो उसको नेम से निभाती। इसलिए गुरु के वचन को नेम से निभाते हैं वो अंकुरी जीव हैं, और वो अमर लोक में जाएंगे।
पछतासी।